हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आले हालेलुया। आइए सभी मेरे साथ मिलकर सुबह की प्रार्थना करें, धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह की, जो हमें नया जीवन देता है, जो हमें बचाता है, जो हमें संभालता है, जिसने हमें नया जीवन दिया, सांसें दिया, नया दिन दिखाया। आइए सभी धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की महिमा करें। बोले परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, तेरी दया हो, तेरी स्तुति हो, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया बोलते हुए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बोलो प्रभु जी, मैं अपना समय आपको देती हूँ, मैं अपना समय आपको देता हूँ। हालेलुया, प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। आइए सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, जो आपने नया जीवन दिया। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी तारीफ मेरे जीवन के द्वारा हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो परमेश्वर, मैं तेरा हूँ। बोलो परमेश्वर, मैं तेरी हूँ। आज आपने कहना है कि परमेश्वर, मैं अपना दिन, अपना समय, हर एक मिनट, हर एक घंटे प्रभु आपको मैं देती हूँ। मेरे समय, मेरे दिन, मेरे जीवन पर आप कंट्रोल कीजिए। प्रभु मैं अपनी मर्जी ना करूं, मैं अपने खुद डिसीजन ना लूं, लेकिन परमेश्वर आप ही मेरी अगुवाई कीजिए, आप ही मेरे आगे आगे चलिए और मुझे बताइए मुझे क्या करना है। प्रभु का वचन कहता है कि आप जो मांगोगे परमेश्वर से, प्रभु उसे आपको जरूर देगा। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं जो मांगूंगा प्रभु देगा, लेकिन आज सुबह के समय में आपने एक बात याद रखनी है कि सुबह का समय, परमेश्वर का समय, हमें धन्यवाद करना है, प्रभु की महिमा करना है, उसका गुणानुवाद करना है। जैसा दाऊद कहता है कि प्रभु भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। ये कौन सी वाणी होगी? हालेलुया, स्तुति की वाणी, गीत की वाणी होगी, प्रेजिंग की वाणी होगी। क्या रोज सुबह उठ के परमेश्वर के लिए नया गीत गाते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं गीत के द्वारा, प्रेजिंग के द्वारा? सचमुच में जब हम परमेश्वर का गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु सुनता है। हालेलुया, क्योंकि जब हम स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं, प्रेजिंग करते हैं, तो परमेश्वर उस स्तुतियों में निवास करता है और आता है। हालेलुया, आप अकेले नहीं हो, प्रभु आपके साथ है। आपने वर्शिप करना है, आपने प्रेजिंग करना है। सुबह उठकर बोलो परमेश्वर, मैं अपना दिन तेरे हाथ में देता हूँ, देती हूँ। आज मेरे दिन को ब्लेस कर और आशीष कर परमेश्वर पिता। आज के सारे काम को, चाहे मैं कोई भी काम करूँ, चाहे वो घर में काम हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, कहीं भी प्रभु मेरे संगो साथ रहिएगा। आप जानते हैं, जब आप ये कहते हैं कि प्रभु मैं जहां भी जाऊं मेरे संगो साथ रहा और मेरे साथ साथ चल, आप कह तो देते हैं लेकिन करते अपनी मर्जी है। हालेलुया, क्या ऐसा ही है? हालेलुया, बोलो परमेश्वर, मैं अपनी मर्जी नहीं, मैं आपकी मर्जी पूरा करूंगा। हालेलुया, आज बोलो परमेश्वर, हालेलुया, सुबह का समय दिखाया, नया दिन दिखाया, नया जीवन दिखाया, ये सचमुच में परमेश्वर की योजना, सुंदर समय दिया, तेरा धन्यवाद करते, ताकि आज भी परमेश्वर हम तेरे नाम की महिमा कर सके। हालेलुया हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आई प्रेज योर नेम लॉर्ड जीसस, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। अद्भुत युक्ति पराक्रमी परमेश्वर पिता, बोलो परमेश्वर, मैं अपना सब कुछ तेरे हाथ में देती हूँ, देता हूँ। आज लोगों के जीवन क्यों बिखर रहे हैं? आज रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? आज परिवार में शांति क्यों नहीं है? आज घर में लड़ाइयां और झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज उनके जीवनों में क्या नहीं है? परमेश्वर नहीं है। आज वो कोई भी काम करते हैं तो अपनी मनमानी करते हैं, फैसला अपनी मर्जी से लेते हैं। आज प्रभु को तो भूल गए हैं, है परमेश्वर के, है विश्वासी, लेकिन करते अपनी मर्जी है। पूरा कंट्रोल प्रभु यीशु मसीह के हाथ में नहीं देते हैं। हालेलुया, कहते हैं प्रभु हम तेरे पीछे चलेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन
जब कुछ करना होता है तो उसमें अपनी मर्जी दिखाते हैं, फिर प्रभु की मर्जी कहाँ रही। और बाद में प्रभु पर ही दोष लगा देते हैं कि प्रभु आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया। गलती किसकी? हमारी। क्यों? क्योंकि हमने फुल ऑफ कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में नहीं दिया अपने जीवन का। आपको फुल ऑफ कंट्रोल अपने जीवन का प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देना है। हालेलुया। फुल ऑफ कंट्रोल कहीं भी जाए, चाहे जॉब में जाते हैं, जॉब प्लेस में जाए, ऑफिस प्लेस में जाए, अपने बिजनेस प्लेस पे जाए, घर से बाहर जाए, घर से अंदर आए, चाहे किसी से बात करना हो, आपके व्यवहार में प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, आपके बातचीत में प्रभु यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए, आपके चाल चलन में प्रभु यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप चमकने के लिए बुलाए गए हो। पर चमकेंगे कैसे? जब यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में दिखाई देगा। हालेलुया। आप जानते हैं प्रभु क्या चाहता है हमारे जीवन से? कि हम परमेश्वर के पीछे चले, फुल ऑफ कंट्रोल प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दे। हालेलुया। उठना, बैठना, चलना, फिरना, काम करना, चाहे वो किचन में खाना ही बनाना क्यों ना हो, चाहे अपने पड़ोसी से बात ही क्यों ना करते हो, वो सारी चीजों में प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में होना चाहिए। फुल ऑफ कंट्रोल प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देना है। जब आप ऐसा करेंगे, हालेलुया, ऐसा करेंगे तो क्या होगा? हालेलुया, आप पाप करने से बचेंगे। क्योंकि पाप जब होता है तो पाप की मंजूरी क्या? मृत्यु है। हम पाप करने से बचते हैं जब वचन आपके जीवन में होगा, हम वचन को पढ़ेंगे। कभी ऐसा होता है कि पाप हमारी आंखों के सामने आती है और कहती और इनवाइट भी करती है पाप करने के लिए, लेकिन आपने वचन पढ़ा है, वचन सुना है, हालेलुया, और आपको पता है कि नहीं, मैंने फुल ऑफ कंट्रोल तो यीशु के हाथ में दिया है, तो मैं फिर पाप कैसे कर सकता हूँ? आपको तुरंत आपके माइंड में वो वचन आ जाएगा। इस तरीके से आप पाप करने से बच जाते हैं और प्रभु यीशु खुश होता है कि सचमुच में ये वो देखता है कि इन्होंने अपने जीवन का पूर्ण रीति से उसने मेरे हाथ में दे दिया है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के हाथ में देते हो, प्रभु आपके बोझ को उठाता है, आपके बर्डन को ले लेता है। आप चिंता करते हो, आपकी चिंता को भी प्रभु उठा लेता है। दुख परेशानी आती, दुख परेशानी को ले लेता है। और परमेश्वर कहता है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरे बंधन टूटेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज ही अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पण कीजिए। क्या आप तैयार हैं फुल ऑफ कंट्रोल परमेश्वर को देने के लिए? हालेलुया। बोलो, परमेश्वर आज से मैं अपनी मर्जी नहीं, मैं तेरी मर्जी पूरी करूंगा, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, मेरी अगुवाई कीजिए। प्रभु तरस खाइए, मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु राजा, दया करो, दया करो। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु शू लीजिए, प्रभु यीशु शू लीजिए। हालेलुया। दया कीजिए हर एक लोगों के ऊपर, प्रभु जी तरस खाने वाला। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी दया कीजिए, प्रभु जी दया कीजिए। हालेलुया। प्रभु मदद कीजिए, सहायता कीजिए। मैं हर एक जनों को तेरे हाथ में देती हूँ। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए प्रभु। आज परमेश्वर पिता, हर एक बोझ को उठा लीजिए, हर एक चिंताओं वाले जीवन को दूर कर दीजिए, हर एक लोगों के जीवनों में से हर एक श्राप और पाप इनके जीवन से जाए, हर एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, एक बीमारी इनके जीवन से गेट आउट यीशु के समर्थ नाम में। बोलो, परमेश्वर हम आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ इनका टूटा परिवार जुड़ जाए। बोलो, परमेश्वर हालेलुया, अपने परिवार को जोड़ दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक नशे की आत्मा, हर एक व्यभिचार की आत्मा आपके घराने से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके हस्बैंड के जीवन से, आपके वाइफ के जीवन से, आपके घराने से प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक बुरी संगति से आजाद हो जाइए। हालेलुया। दया करो, दया करो प्रभु जी। शू लीजिए प्रभु जी, शू लीजिए हर एक जनों को, शू लीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बंधन टूट जाए प्रभु जी। शू लीजिए प्रभु जी, दया कीजिए। इनके बिजनेस को मैं ब्लेस करती हूँ, इनके काम काज को मैं ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए।
हालेलुया। इनके जॉब को ब्लेस करती हूँ, इनके डॉक्यूमेंट और पेपर को, वीजा को मैं ब्लेस घोषणा करती हूँ। हर एक प्रॉब्लम इनके समस्या इसके जीवन से जाए। हालेलुया दया करो, शांति का परमेश्वर प्रभु इन सभी लोगों को शांति दीजिए, अनुग्रह दीजिए, तरस खाइए। हालेलुया जिस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है परमेश्वर हर एक एक लोगों को शिशु दीजिए, आजाद कीजिए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक प्रॉब्लम जाए, हर एक समस्याएं जाए, हर एक बीमारी खत्म हो जाए। गेट आउट किसी के समर्थन में। हालेलुया धन्यवाद यीशु। सर्दी खांसी बुखार के समर्थन में। हर एक अस्थमा की प्रॉब्लम, हर एक साइनस की स्पिरिट गेट आउट। बोले यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया जितने हॉस्पिटल में एडमिट है आपका आत्मा आपका मसा उसे थश करे यीशु के समर्थन। धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, अब तेरे नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया दया करो, दया करो, दया करो। ओ रबा का तेरा नमश तेरा नमगे तेरा नमगे दिना। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दयालु दयालु तरस खाने वाला प्रभु यीशु लीजिए हर एक लोग, प्रभु यीशु लीजिए हर एक लोगों को। तेरा आत्मा मौजूद है आज सुबह के समय में, किसी खास काम के लिए जो बाहर जा रहे हैं प्रभु उनके सब को साथ रहना। तेरी मर्जी उनके जीवन में पूरी हो। यदि तेरी मर्जी वो काम नहीं है तो वो ना ईश्वर के सामर्थ्य न में, ताकि वो ठोकर खाने से बचे, पाप करने से बचे, स्ट्रगल वाली जिंदगी से बचे। हालेलुया हर एक घर आने को मैं ब्लेस घोषणा करती हूँ, हर एक परिवार को मैं आशीष की घोषणा करती हूँ और तेरे हाथों में दे देती हूँ। हालेलुया जितने फॉरेन कंट्री में प्रभु जी हर एक जनों को मैं ब्लेस और ब्लेस घोषणा करती हूँ। हालेलुया रबा का तेरा नाम अशत तेरा नाम के तेरा नाम का तेरा। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। तरस खाइए यीशु जी, तरस खाइए, तरस खाइए यीशु अब्बा, तरस खाइए। हालेलुया सारी प्रार्थना को सुन लिए, तेरा धन्यवाद करते जितने लोग परमेश्वर पिता तेरे राज्य के लिए अपने ऑफरिंग अपने बीज अपने टाइट अपने दशमांश को बो रहे हैं। हर एक चरणों को मैं ब्लेस घोषणा करती हूँ। अरे बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया धन्यवाद यीशु। हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक हाथों की कमाई को ब्लेस घोषणा करती हूँ और आशीष की घोषणा करती हूँ। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो। हर एक श्राप आपके जीवन से जाए, हर एक खर्च वाली जिंदगी से आजाद हो जाए, उधारी और लोन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। प्रभु अगुवाई कर, तरस खा। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। आगे पीछे पीछे चलने के लिए मदद सहायता करना। परमेश्वर आपका आगमन बहुत ही निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए। परमेश्वर आज भी आपका आगमन होने से हम सभी महिमा में बदल जाना चाहिए। हालेलुया इस विनती को यीशु के नाम से मांगते सुनो कबूल कर लीजिए पिता, आमेन। हालेलुया हालेलुया। तो आपको इनवाइट करती हूँ 25 दिसंबर प्रेयर मीटिंग के लिए और फुल नाइट प्रेयर जो 31 दिसंबर 1 तारीख तक होगी। आप सभी इनवाइटेड है, प्रभु को आशीष दे। आमेन हालेलुया। जो प्रभु के लिए हालेलुया स्पेशल बीज बोना चाहते हैं क्रिसमस के लिए और फुल नाइट प्रेयर के लिए आप दे सकते हैं परमेश्वर के कामों के लिए। प्रभु को आशीष दे और लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखे। हर एक मिट्टी के लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए हमारे परिवार के लिए भी जरूर अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और भी जो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।